हालांकि ओहू घड़ी शिल्पी दास संग ही गोल बाड़ी विवेक पटेल के संग ही गोल बाड़ी। तो हम ये रिलेशन के बारे में क्या कह सकते ना जानते नहीं कि बीजेपी के संग कौन रिलेशन उनका गलत नहीं के शिल्पी जी के तब क्या कहे के बाटे बहुत अच्छा रिश्ता बा हमनी के साथे जी कि नहीं हम विवेक पटेल से हमारा प्यार मोहब्बत रहला शादी ब्याह कैले बनी तो वो लड़का खराब ना हो बहुत अच्छा लड़का लागल सुन विवेक पटेल के तो अहम भूमिका बा शिल्पी राज के बनावे में एमे कोनो शक नहीं है। हमनियों के बीच में शिवानी सिंह रली है वैसे वो एगो वायरल शिल्पी राज बाड़ी। और रहल बात की बहुत बड़ा योगदान बा भाई के विवेक पटेल से, विवेक पटेल से भी बात हमनी के होत रहे पटना में जब भी आदमी गाना गवावे खातिर जाए थे वो मतलब व्यक्तिगत रिलेशन के टाइप बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहत रहे बहुत अच्छा लड़का हमारे नेक दिल इंसान हमारे। बाकी जो बीच में ममिला इनको लोग के बीच में का खटमट भइल कैसे भइल एक बारे में हम जानकारी तो एक बार लेबे कोशिश करनी बाकी विवेक के मम्मी डेट कर गई रही बीच में डेट कर गई रही तो बीच में हमनी के बातचीत हो गया तो भैया एक बार हम मिलहूँ रहनी जाके उनका अथी पर गोलहूँ रहनी हम तो मैंने इनको लोग के दोनों जना के रिलेशन बहुत अच्छा रहलाटे। अब जो भी लोग कहेला वो क्षेत्र से कि दोनों जना के शादी ब्याह के भी मैटर रहलाटे ब्याह शादी भी कैले बने लोग ये चीज़ तो हम देखले नहीं कि बाकी इतना जाना तीन कि इनको लोग के रिलेशन एगो पति पत्नी के रहला ये में कोनो शक नहीं है। और रहल बात कि शिल्पी राज से भी आज भी हमारा बात होखेला ऐसा कोनो मतलब उनका बारे में तो हम गलत नहीं कह सकते हैं कि उनका तो व्यक्तिगत रिलेशन के बात बाटे भाई का कैले बड़ी कैसे रहल बड़ी कैसे शादी ब्याह कैले बड़ी कैसे उनका के मतलब रखत रहे हैं ये तो मान लो कि इनको लोग दोनों जने के मैटर के बीच के मैटर बाटे। विवेक पटेल जी अपना पक्ष जो है सोशल मीडिया पे आके रख रहे हैं लेकिन यहाँ शिल्पी राज का कुछ भी सामने से बयान अभी तक नहीं आया है कि क्या कुछ कहना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है साफ तौर पे विवेक पटेल जी का कि मुझे 12-14 लाख रुपया जो भी मैंने अपना खर्च किया है उनको आगे बढ़ाने में उस चीज का इनका मांग है और इसके लिए बीना मानवी के पास भी पहुंचे हुए हैं, महिला विकास मंच बीना मानवी के पास पहुंचे हुए हैं। अच्छा पटना में जी बीना मानवी के पास पहुंचल मैंने ठीक बा और बढ़िया बा कहे से कि लड़की के साथ जब ये तरीका से होकर था तो लड़का लड़की पहुंच जाता रही तोड़ दे और लड़का के साथ ये तरीका से भइल बा तो लड़का के भी हक बनत अटे महिला विकास मंच के वहाँ के इथी बानी तो ये हक बनत अटे जरूर इनके बारे में कुछ सुनाओस कार्रवाई करस भाई कि इनको लोग के रिश्ता जो बता बन जा आ नहीं तो अपन जो मांग भी है तो उनके पूरा हो जाओ बाकी हम क्या कह सकते नहीं। अच्छा किस नजरिए से आप देखते हैं शिल्पी राज को, क्या इस टाइप की चीजें इस टाइप की छवि जो है आता है उनका तमाम तरीके का फोटोज वगैरह जो है सोशल मीडिया पे भी पड़ा हुआ है शिल्पी राज और विवेक पटेल जी का, क्या कहना? अब तरह से पहले ही कह देने की अब कोना रिलेशन से उनको लोग एक साथ रह रहे हैं लोग तो मान के चले कि वह बता सकते रहे वही दिखा सकते रहे लोग। अभी फिलहाल हम तो शुरू में बोल रहे हैं कि एगो रिश्ता उनको लोग रह लटे कि पति पत्नी की तरह रह रहे हैं लोग बाकी हम क्या कह सकते हैं शिल्पी राज से आज भी बात होखेला हमारा ऐसा तो कोनो मतलब उनका मन में ना लगे ला कि मतलब ये तरीका कि उनका करे के चाहे चाहे कैले बड़ी कि ना ये तो हमने की जानत मैं लोग कहे ला कि बीजेपी के साथ का रिलेशन बा का नहीं है ये फलान टेकान बाकी हम इतना जानते नहीं कि बीजेपी के संग कोनो रिलेशन उनका गलत नहीं है। विजय चौहान जी के साथ जी नाम उनका जोड़ा जाता है कि विजय चौहान जी के साथ भैया बोलती हैं लेकिन उन सामने से आती है ये गलत बात बा जे भी सोचे ला ये गलत बात बा कहे से कि बीजेपी के हम करीबी से जाना तनी और बहुत पहले से हम रहल बनी बीजेपी के संगे ठीक नु अभी हमरा बता कि 6 साल उनका संग हमने के जो पटना में जब भेंट मुलाकात होत रहलाटे ओहु घर विवेक पटेल और विजय चौहान दोनों जना संग संग ही आवत रहले हैं लोग ये कोनो थोड़े थी बाटे फेसबुक पर हमार फोटो बाटे बहुत सारा विजय भैया के संगे शिल्पी राज के संगे जना घड़ी मैंने कोनो शरीर के ना सुगराई ना बनावट कोनो प्रकार को वो तरीके के ना रहलाटे अब तो मान ला कि भाई पैसा रुपया कमाए लगल तो मान ला सब कुछ अपना हाथ में हो गई बाकी वो घड़ी कोनो मतलब रिस्पॉन्स ना रहा हर चीज से खत्म ना कहा आदमी तो यही तरह बाटे मान के चले कि विजय भैया के बारे में अब हम करा के गलत नहीं कह सकते कहें कि विजय भैया से हमने के बातचीत हरदम होत रहेला ऐसा टाइप के रिलेशन हमने के ना लगेला लोग कहेला बाकी हम ये बात की थी ना करी ना डर लगता है कि भोजपुरी के बारे में अगर कुछ बोल देंगे तो आपके ऊपर भी कुछ एक्शन हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजय चौहान और शिल्पी राज का स्टार्डम आज इतना ऊपर है कि अगर वो बोल देते हैं एक शब्द बोला था उन्होंने अपने बयान में ही विवेक विवेक नाम है ना उनका विवेक जी जो बोल रहे हैं कि अगर मैं काम करने के लिए स्टूडियो पे गाना गाने या फिर मैं भोजपुरी में काम करने जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उनके द्वारा मना कर दिया जाता काम भी नहीं मिलता था। सबसे पहले कि एक में डराए के का बात बटे माने भोजपुरी में तमाम लड़की वायरल बड़ी सन आ बहुत सारा गायकी के मतलब सबके बड़ा जुनून बटे आ सब लोग अच्छा ही गावेला तो माने एक चीज के हम डराते नहीं कि हम बोल शिल्पी राज के बारे में तो शिल्पी राज हमारे गाना ना गई हैं ऐसा कोनो बात नहीं के ई गायकी में ना चलेला हम जौन सत्य बा मुद्दा जौन सत्य बा वो चीज के तो देखावे के चाहे बतावे के चाहे हम तो शुरुए कहने हैं कि उनको से रिलेशन का रहलाटे तो सभे लोग जानत रहलाटे बट रहल कि विजय भैया के संगे लोग शिल्पी राज के जोड़े ला ए नाता के हमें नाता के ना मान पावे नहीं
अब जो विवेक पटेल जी से आपकी मुलाकात हमेशा से रही है, हुई है, बातें भी हुई है, हाँ। किस नजरिए से आप उनको देखते हैं? इनका और उनके बीच का रिलेशन जो था उस दौर में जब वो लोग साथ में रहा करते थे तो कैसा था? दोनों का ट्यूनिंग बढ़िया था? विवेक भाई एगो बहुत ही सभ्य तरीका से अगर कहा जाए तो मतलब ऐसा घर से बिलोंग करेला भाई, बहुत अच्छा लगल हमारा देखनी। हम अभी हमने के एक दिन पहले भेंट भय रहे पटना में गाना गावे के रहे राती खा, ऐसा ही फोन आ गुल की तूफान भैया हम जाता नहीं गाँव पे, हम गाँव पे जाता नहीं, मम्मी के तबियत खराब है ना कि डेट पगुल बड़ी तबियत खराब है। हालांकि वह घड़ी शिल्पी दास संग ही गोल बड़ी विवेक पटेल के संग ही गोल बड़ी, तो हम ये रिलेशन के बारे में क्या कह सकते भाई? विवेक बहुत अच्छा लड़का है, विवेक को हम बहुत दिल से जानते हैं, तो मान के चले की तो सबके चाहिए, तो रौरो चाहिए, हमरो चाहिए, कलाकार के संगे जे भी रहे वाइफ भी है, वो तो वाइफ भी है जो है। तो अभी बात हमने की कह सकत नु, मांग में सिंदूर डालते हुए फोटो सारी चले ठीक बटे, तो फोटो जब देखो तो हम लोग तो कह तटे, चाहे हमू कह फोटो देख, तो बाकी फोटो बनावटी भी हो सकत अटे, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ, बाकी रिलेशन इनको लोग के एगो व्यक्तिगत अगर रिलेशन कहल जाए तो एगो परिवार के तरह रह अटे, रिलेशनशिप हाँ ये चीज हम जाना तनी, रिलेशन एगो परिवार के तरह रह लटे। और देखिए भोजपुरी में यह चलते बा, दूसर नहीं के चलत, अगर सच्चाई बात अगर केहू के अगर बोल दिया तो मुंह पर तुमकरा दुख लग जाता, सच्चाई अगर बात मुंह पर बोल दिया तो दुख लग जाता कि भैया हमारे बारे में बोल देना ऐसे ऐसे बोल देना, अगर उनका मुंह पर वही तरह बड़ाई करत रह पीछे उनका से बार करत रह तो वो ठीक बटे, बाकी पीछे बहरी ना उहे बात बा। आजकल भोजपुरी के ये नियम चल दिले बा, हई हिंकर बिना मानवी मंच के महिला अध्यक्ष बनी वहाँ के बिहार के, आज तो वहाँ के सोशल मीडिया पर वायरल बनी, तो कैसे लेकिन के मैं गुहार सुना देता नहीं, तो कम से कम वो भाइयों के गुहार होके के चाहिए ना। अच्छा जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे शिल्पी राज जी से और विवेक पटेल जी से? हम ये चाहम कि देखें रुपया पैसा सभी कमाला, इज्जत सबके ना कमा पावेला, शिल्पी राज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देख ये तो मान के चलिए अभी हम बात कहते नहीं कि रुपया और पैसा सभी कमाला बाकी इज्जत ना कमा पावेला, अगर हो सकता है कि रौरा अगर ऐसा दिल में होके कि नहीं हम विवेक पटेल से हमारा प्यार मोहब्बत रहला शादी ब्याह कैले बनी तो वो लड़का खराब ना हो, बहुत अच्छा लड़का लागे, सुंदरतों में भी कोनो कमी नहीं है, कोनो बेचारा भगवान बढ़िया बनौले बने, तो वो रिश्ता के कायम रखे के चाहिए, अगर होखो लोके तब ब्याह शादी रोबा कैले हो तब, ये बात के हम बारे में कहते नहीं। और हमारे शिल्पी से ना कोनो दुश्मनी बा ना कुछ, बनकर शादी रहे बहन के ओम हम पहुँचे रहनी, जब भी देवरिया में आवेली तबो हम पहुँचे नहीं, हम भैया कहें का दिक्कत बटे हमारा, हमारे न्यूजो देखिए तो हमारा गलत नहीं की कह सकते, ऐसे कि हम गलत बोले वाला लेके ना आई आ डरे नहीं तो हम केहू से ना भैया भले तुम हमारा कुछ कह दो नाम है तू बस हम तूफान डरे के कामें ना करें, ऐसे कि हम जो भी बात बोलब करेक्ट बोलब, जितना जानत रहो उतने बोलब।